मित्रों, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पुरानी पीढ़ियों को छोड़ दें तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 100 वसंत देख पाते हैं, और इनमें से जो लोग अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में ही इस संसार को अलविदा कह देते हैं। और आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मन से साफ और दूसरों का भला करने वाले लोग पापी लोगों की तुलना में मृत्यु को जल्दी प्राप्त होते हैं? आज की इस वीडियो में हम मिलकर इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की 6ठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। और ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। और अच्छे लोगों के इस संसार से जल्दी जाने के पीछे यूं तो कई वजह हैं, जिनमें से सबसे पहली वजह को समझने के लिए आपको पहले जन्म का रहस्य समझना होगा। आप तो जानते ही हैं कि व्यक्ति इस मृत्यु लोक में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब मृत्यु के बाद उसे ऊपर यमराज को देना पड़ता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नर्क में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर। वो किस शरीर में प्रवेश करेगी वो उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के गुण भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से ही उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं। क्योंकि भगवान के दंड विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके किए की सजा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप हो। और दंड विधान की जिम्मेदारी संभालने वाले शनिदेव की कृपा से तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं बच सके, फिर हम इंसानों की तो क्या ही बिसात है। इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सारी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं जिसके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजता है, और भगवान का अपना अवतार भी उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। ये है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी इस विषय पर वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए मित्रों, अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और ऐसी सभी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।